करके बहुत अच्छा लगा, आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी। अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं जहां कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है, मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूं। कल्याणी जी अपने बारे में बताइए। सर मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे, उसके बाद में हम डे एनुअलम के तरह गुवाहाटी पौरनिगम के अंदर हम SSG खोले थे। उसको बाद हमारा SSG मिलकर हम ट्रेनिंग मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 रुपया मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है। और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग हैं, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है, उनका नाम पर्सोना LF है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया, उनको हमको मिला है। वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है, हमारा जो असमिया तापखाल है उभिंग सेंटर है वो भी खुला है, हमारा असमिया गामोसा भी है, और जो बड़ो लोगों को हमारा आना दखना ये भी मिलते हैं। और उसके बाद हमने सर NULM के अंदर वो जो हमारा आसपास औरत है 3,000 महिला हम SSG खोल दिया है, और 3,000 महिला से हम 300 SSG को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है, और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरित हो गए हैं सर। उसको बाद हम डे NULM से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो लॉ देख कर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर, हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आग बढ़ कर आई है, हमारा परियाल जैसे चला है वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। कल्याणी जी आपका तो नाम ही ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती हैं। जी सर। कल्याणी जी कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुलो सन से हम सर मशरूम का एक यूनिट खुला था, जो 2,000 रुपये था खुलो सन। उसके बाद में हम सोचा जो हमारा असम गवर्नमेंट का 15,000 मिला था, उसको बाद हमने हमारा फूड प्रोसेसिंग से एक यूनिट खुला है सर। उसको बाद हमारा आसपास औरत मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी खुला है, उनमें से हमारा 200 महिला है और हमारा असमिया। आपको PM FME के तहत कितनी मदद मिली? 40,000 की मिला है सर, मिला है सर। हम अपने को 40,000 मिला है, और हमारा पार्थना एलएफ को 17,786 मिला, 17,786,100 मिला है सर। कल्याण जी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? HS पास है सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है, ये अवार्ड आपको किस वजह से मिला था? वो जो हमारा सर PM स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है, उन लोग को आपका लोन लेना है वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आप तो लोगों का काम कर रही हैं, आपके सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हैं, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को और पूरे गांव को क्या इसका स्वागत कैसे किया था आपने, कार्यक्रम कैसा किया था? सर वो जो हमारा 28 नवंबर से हमको आरंभ किया है, लेकिन उनके पहले हम 3 दिन 25 तारीख के पीछे हम आसपास जो महिलाएं हैं
उसको हम एसएसजी मोहल्ले का समझाया है, वो हमारा मोदी जी का गारंटी एक गाड़ी आया है, उनमें से आप लोगों का रेशन का जो रेशन कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा और उज्ज्वला कार्ड फ्री मिलेगा, वो जो हेल्थी के लिए हमारा बिना मूल्य है ना उसको मिलेगा, और हमारा जो पीएम स्वनिधि का स्कीम है उसको आपको बिना मूल्य के आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही हम सर बता दिया है, स्वागत किया है सर। अच्छा कल्याणी जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अपना ये उत्साह और जज्बा हमेशा बनाए रखिए। आप न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अच्छा काम कर रही है बल्कि साथ ही आप समाज सेवा का काम भी कर रही है जी। आप उदाहरण है कि जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होता है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब हम केरल में कोड़ीकोड चलते हैं जहां धर्मराजन जी जुड़े हुए हैं। धर्मराजन जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा कहां से हैं धर्मराज जी आप? नमस्ते सर, वो मलयाली है, मैं अनुवाद करके बता दूंगी सर। हाँ बताइए। गुजरात धर्मराजन कोड़ीकोड़े मावूर मावूर। अच्छा धर्मराजन जी आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा ये ट्रांसलेशन करेंगे उसके बाद मुझे बताइए। സാർ ഞാൻ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യ ഉണ്ട്, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. കേലക്ക് ഖേത്തി കറാവും മേരെ ഏക് പത്നി ഹേ ഏക് ദോ ബേട്ടിയാ ഹേ. അച്ഛാ ധർമ്മജി, ആപ് കേലെ കി ഖേത്തി കർ രഹേ, സർക്കാർ കി കിസ് യോജന കാ ആപ്കോ ലാഭ് മിലാ ഹേ? സർക്കാരിന്റെ ഏത് യോജനയാണോ കിട്ടിയത്? सर केसीसी लोन, पीएम किसान, सुगन्या समृद्धि योजना। पीएमएसबीवाई सर, इनको भारतीय स्टेट बैंक से केसीसी लोन मिला है, फिर पीएम किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हुए हैं सर, और इसके अलावा पीएमजेबीवाई पीएमएसबीवाई का भी लाभ उनको मिल रहे हैं सर। ये सारा जो लाभ आपको मिला है, उसके पहले लाभ नहीं मिला, अब मिला तो जीवन में क्या बदलाव आया? सर कृषि ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല സഹായം കിട്ടി, പിന്നെ അതേപോലെ പിഎം കിസാൻ വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിച്ചു। सर खेती करने के लिए मुझे आर्थिक सहायता प्राप्त हुए है, और इसके साथ साथ पीएम सम्मान निधि से जब भी वो जो खाद और कीटनाशक सब जब खरीदने के लिए मुझे लाभ बहुत प्राप्त हुए है सर आर्थिक। अच्छा धर्मराज जी, किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिलता है वो पैसे का क्या उपयोग करते हैं आप? सर कृषि के वलन सियाने को उपयोग करने सर खेती के लिए जो खाद वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं सर। अच्छा पहले ऐसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप किसी से ब्याज से पैसे लेते थे, अब ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ता है। सर പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പൈസയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്? सर इसके पहले मैं बाहर से उच्च ब्याज दर पर पैसा लेके ही किसानी करते थे, अभी वो जो है ना आपके जो लाभ योजना के वजह से कम ब्याज में जो मिल रहे हैं सर। तो जो पैसे अभी बच रहे हैं तो परिवार के लिए अच्छे काम आते हैं? ओ नल्ले नेटम के सर, तो इनको बहुत लाभ मिले प्राप्त हुए हैं सर। धर्मराजन जी हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे? സാർ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് കുടുംബം
പിന്നെ ജീവിച്ചു പോണത് പിന്നെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു ചെറിയ മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി വലിയ മോൾക്ക് കല്യാണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 4 ഉഷാറായിട്ട് പോണു സാർ सर ये जो खेती करके मुझे अपनी दो बेटियां हैं उनको पढ़ाई करवाई है सर अभी जो बड़ी बेटी जो जर्नलिस्ट डिप्लोमा हो चुके हैं उनका अभी जो केरला विजन में काम कर रहे हैं अभी उनके अगले आने वाली जो फरवरी 4 में उनकी शादी है सर वो आपकी कृपा से वो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे है सर अभी जीवन चलिए आपने बहुत जीवन में प्रगति की है धर्मा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आप एक प्रगतिशील किसान भी है आप बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं आप मेहनत भी बहुत करते हैं और आपका जीवन सच में प्रेरणा देने वाला है पैसों का सही उपयोग कैसे करना ये आपने करके दिखाया है चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहा है अब हम हिमाचल में शिमला के पास कुशला जी से जुड़ने जा रहे हैं कुशला जी नमस्ते नमस्कार सर कुशला जी कहाँ से बोल रही हैं? सर मेरा नाम कुशला देवी है मैं रोडू वार्ड नंबर 1 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ तो आप रोडू से बोल रही हैं? जी सर जी अच्छा आप क्या काम करती हैं? अपने बारे में भी कुछ बताइए सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ वाटर कैरियर सर और वहाँ मैं झाड़ू पोचा पानी बेल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर वो काम करती हूँ 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे और मेरे 2 बच्चे भी है और मैं अकेले हूँ 2 बच्चे और 1 मैं मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला जिससे मैंने पक्का मकान बनाया उसमें 1 कमरा 1 किचन 1 बाथरूम है अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे लिए जो ज़मीन जिसके नाम ज़मीन होती है सर उसके खाते में 2,000 रुपये वो भी पड़ता है सर तो कुशला जी आपने जी अपने जीवन के संकटों से हार नहीं मानी इस दौरान हाँ सरकार की ये योजनाएं हैं अब घर पक्का हाँ बन गया आपका हाँ जी सर अब पक्का घर है अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बच्चे पढ़ते हैं पक्का घर है तो हाँ जी सर बेटी मेरी 8th में है 8th के पेपर दिए बेटा 10th में है सर लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी जाते आगे ज्यादा आते होंगे खाना हाँ खर्चा वर्चा भी बहुत हो जाता होगा हाँ जी सर हाँ जी अच्छा कुशला जी जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया खुद को संभाला परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है स्वामान से जी रही है आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी और सरकार हमेशा आपके साथ है पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को बनाया है आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं अनिल जी नमस्ते अनिल जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है अनिल जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया या अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है नहीं उनका वो शायद तो माइक चलता होगा यहाँ का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा
शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहाँ से ट्रांसमिट होता है। You are the only participant. चलिए अनिल जी, आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आगे हैं सर। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो कि पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था, और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी, और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में कपड़ा किराए पे लिया रखा था, और अब जो है मेरा पूरा मकान बन गया है, मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ, जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर, अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी है, क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। पांच राज्यों में प्रारंभ करने का अवसर मिला है। अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब बैठिए। हम सबका मार्गदर्शन करें। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा
शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है, लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है, सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कॉम्पिटिशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। पिछले कार्यक्रमों में ज्यादातर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद किया था। पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो, मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की। और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टीयर टू टीयर थ्री इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए।
स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है, जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित,